कार्य होता जा रहा है पीएसपी को क्वालिफाई करने के लिए, और खासतौर से जिनकी जीएस बहुत स्ट्रांग है उनके सपनों को कहीं ना कहीं संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल उनकी क्षमताओं को धीमा कर देता है। इसीलिए मैंने एक प्रयास किया है और ये किसी बेहतरीन जगह से कुछ बेहतर नोट्स मुझे मिले, तो मैं उसको आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। इसको आप 1 से 2 से 3 बार सुन लीजिए, आपकी बहुत हेल्प करेगा। आप ये मान के चलिए कि आपकी जीएस जो स्ट्रांग है, जो कहीं सीसेट में डूब जाते हैं, उनकी नैया को पार लगाने के लिए, नदी से उस पार पहुंचाने के लिए, पी क्वालिफाई कराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आइए स्पीड से, मैं बार बार रिवाइज नहीं करूँगा, तेज़ी से ही पढ़ेंगे, क्योंकि समय आप जानते हैं अब कितना बचा हुआ है। समर आपके सामने है, युद्ध आपके सामने है, अब हथियारों को आपको पैना करने का समय आ गया है, जूझ जाने का समय आ गया। तो आइए जुड़ते हैं। पहला है अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या होता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध आप जानते हैं, दो या दो से अधिक लोगों के बीच संबंध होता है, साहचर्य होता है, चाहे बातचीत होती है, जो क्षणिक या स्थायी दो तरह का हो सकता है ना। निकटतम संबंध बहुत, जैसे दो तरह के होते हैं, तो निकटतम अगर संबंध है तो बहुत घनिष्ठ लोगों के बीच होगा, परिवार के साथ होगा, दोस्तों के साथ होगा, आपके क्लास में 2-3 मित्र होंगे उनके साथ हो सकता है। अंतर्वैयक्तिक संबंध आपका क्या है कि सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य प्रभावों के संदर्भ निहित होते हैं, या तो सामाजिक होंगे, सोशल, कल्चरल या अन्य। अब देखिए अंतर्वैयक्तिक संबंध के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं। एक तो विशिष्टता होती है इनमें, अप्रतिस्थानी, मतलब अपने आप में एक दूसरे का जुड़ाव होता है, पारस्परिक निर्भरता होती है, डिपेंडेंसी होती है, आत्म प्रकटीकरण, आप अपनी बात कहने के लिए अपनी चेतना खुलने के स्वतंत्र होते हैं, ईमानदारी एवं जवाबदेही। अगर संबंधों में ईमानदारी नहीं है, है ना, आपकी ऑनेस्टी नहीं है, जवाबदेही नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं, तो फिर वो नहीं चलते। तो ईमानदारी, जवाबदेही होना है, सहानुभूति, परानुभूति, वही एम्पैथी बहुत जरूरी है, विश्वास एक दूसरे के प्रति होना जरूरी है, सम्मान एक दूसरे के प्रति होना जरूरी है, मानसिक प्रत्याशा है, उम्मीद, नम्रता है, लचीलापन, ये इतने इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपका मित्र है और आपके उसके साथ अंतर्वैयक्तिक संबंध है, लेकिन उसके पास संकट आ गया, वो कहीं समस्या में, और उसके बाद आप नहीं जाते हैं, उसकी सहानुभूति नहीं करते, तो फिर वो आपके लिए घातक होगी, फिर वो मित्र आप पर धीरे धीरे विश्वास नहीं करेगा, है ना। तो ये अंतर्वैयक्तिक संबंध के प्रमुख लक्षण हो गए। देखिए मैं समझा अभी नहीं सकता हूँ, इतना समय नहीं है, तो आप इसको सिर्फ सुनते जाइए। अब अंतर्वैयक्तिक संबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो मित्रता सबसे महत्वपूर्ण है, जो हम आप सब जानते हैं। दूसरा होता है व्यवसायिक या पेशेवर संबंध, जैसे मालिक का नौकर, डॉक्टर से मरीज का, है ना। परिवार में रक्त संबंधी होता है, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी से पिता पुत्र का हो गया, है ना, विवाह संबंधी पति पत्नी का हो गया, रोमानी, विवाह में आपका पति पत्नी का भी हो गया, या विवाह में आपका सास ससुर, जो सास बहू का भी हो गया, या आपका, है ना, सास दामाद, ससुर दामाद का भी हो गया, रोमानी, रोमांटिज्म में पति पत्नी का हो गया, प्रेमी प्रेमिका का हो गया, नायक नायिका आदि, ये सब क्या अंतर्वैयक्तिक संबंध है। अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने हेतु आवश्यक कौशल क्या होते हैं। आशावादी ढंग से आप शांत रहें, अचानक किसी कार्य पर हैं तो उसको थोड़ा पीसफुल सुने, गम, जैसे पति पत्नी लड़ाई हो रही है, अचानक आप दोनों जूझ गए तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला, तो आशावादी ढंग से शांत रहें, गंभीरतापूर्वक सुने, दूसरे वाले की बात को सुने, समानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, सहानुभूति जानते हैं ना, दूसरे की भावनाओं को समझें, सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दें, अचानक किसी बात पर उबलना नहीं, पहले बात पूरी सुन लें, तब सहयोगात्मक रूप से समकालिक बने, प्रामाणिक रूप से कार्य करें और उदारता से स्वीकार करें। ये 7 आवश्यक कौशल होते हैं, इनमें से अगर जो भी ऑप्शन में आए आप करेंगे। अब अंतर्वैयक्तिक संबंध में बाधक तत्व क्या है, ये बहुत बार पूछा गया आपसे, है ना, बाधक तत्व आपसे बहुत बार ही पूछा गया, क्या क्या इसमें बाधक हो सकते हैं। तो देखो, एक तो वर्जन, परिहार, टालमटोल बाधक होंगे। मान लीजिए आप मित्र हैं और आपके मित्र ने कोई बुक आपसे मंगाई के लाकर, आपने कहा आज नहीं, कल दूंगा, परसों, तो फिर आपके संबंध बाधक होते हैं। अक्रियाशील, आप कोई एक्टिविटी नहीं करते उनके बीच में, अक्रियाशील है, निष्ठा है, अनुराग है, प्रेम का अभाव है, निष्ठा, अनुराग, प्रेम का अभाव, तो भी आपका बाधक तत्व है। जोश और उत्साह अगर आप में नहीं है तो भी भाव, क्षमा भावना का अभाव भी, या इसी में आप शर्मिलापन वगैरह भी जोड़ सकते हैं, तो सब क्या होंगे, बाधक तत्व आता है। इसमें आपका एक और पॉइंट जोड़ सकते हैं आप, शर्मिलापन, ये पूछा भी गया एक बार, शर्मिलापन भी, मतलब जैसे कोई बात आपस में शर्माते रहते हैं दूसरे को, तो ये भी इसका बाधक, बैरियर है एक तरह से। फिर उपयुक्त के अलावा कुछ अन्य भी विशिष्ट बाधक तत्व क्या क्या होते हैं, जैसे स्थिति जन में क्या, जटिल वार्तालाप, आपकी लैंग्वेज इतनी क्लिष्ट है कि समझ में नहीं आती लोगों को, दूरी की अधिकता, आप बहुत दिन से मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते, फोन कॉल कुछ नहीं करते। उसके अलावा प्रतिकूल पर्यावरणीय स्थितियां हैं, व्यक्ति का मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, मान लीजिए
कहीं पर कोई दुखद घटना वहां पर आप हंसने लगे भयंकर तरीके से। व्यक्तित्व बाधाएं क्या है, अस्वीकृति का भय, आप हमेशा अस्वीकृति का भय रखते हैं। लचीलेपन का अभाव, आप किसी बात पर बिल्कुल रिजिड रहते हैं। अप्रभावी संचार, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है। और शर्मिलापन, वही मैंने कहा ना शर्मिलापन, ये देखिए आया हुआ क्वेश्चन भी है कि बाधक क्या होता है, शर्मिलापन। सामाजिक बाधाएं क्या है, भाषाई विविधता, एक तो मान लीजिए लैंग्वेज, आप तमिल बोल रहे हैं और वो हिंदी बोल रहा है, दोनों फिर दिक्कत होगी सामाजिक, है ना, तो भाषाई विविधता हो जाएगी। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल, कोई नॉर्थ इंडिया का कोई साउथ इंडिया का, तो ये भी समस्या होती है। सामाजिक विविधताएं, आपके सोशल वैल्यूज कैसे हैं। अब आते हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता क्या होती, तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता, अंतर्वैयक्तिक क्षमता सामान्यतः उन सामाजिक क्षमताओं को व्यक्त करती है जिसके तहत व्यक्ति प्रभावी ढंग से दूसरे के साथ संवाद स्थापित करने में सक्षम होता है। इसके अंतर्गत ध्यान से सुनना, समर्पण, नेतृत्व, मौखिक एवं गैर मौखिक संचार आते हैं। एक तरह से अंतर्व्यक्ति क्षमता आपकी या व्यक्ति वो क्षमता होती है जिससे वो दूसरे वाले के साथ या किसी अन्य समाज या व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात को कह सकता है, अपनी बात रखने में सक्षम होता है, साथ साथ वो दूसरे की बात को ध्यान से सुन सकता है, समझ सकता है, एवं इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी शामिल होते हैं, मौखिक एवं गैर मौखिक संचार भी। अब देखिए अंतर्व्यक्तिक क्षमता जो होता है ना, इंटरपर्सनल स्किल्स, उसके आपके सात गुण क्या क्या हैं प्रमुख, एक तो समस्या का समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय एंड डिसीजन मेकिंग, अग्राह्यता, है ना, एक्सेप्टेंस, मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सुनने की क्षमता आपके पास हो, पावर ऑफ हियरिंग हो, और बातचीत करने की क्षमता हो। तो ये तो हो गए, कभी भी पूछेंगे इनमें से तो आप कर लेंगे। फिर आएगा अंतर्वैयक्तिक क्षमता के विशिष्ट तत्व क्या, स्पेसिफिक पॉइंट, एक तो दृढ़ता, किसी बात को अगर आप कह रहे हैं तो आपके अंदर कितनी दृढ़ता है। शिष्टाचार, सामाजिक जागरूकता, स्वयं प्रबंधन, स्वयं प्रबंधन जानते हैं, अपने आप को मैनेज करना, जवाबदेही आपकी कितनी, जिम्मेदारी कितनी, आप अगर कोई काम करते हैं तो उसे आप कितने समय में या कितने विशिष्टता के साथ पूरा करते हैं। समूह भावना, ग्रुप लीडर जिसे बोलते हैं, ग्रुप, है ना, टीम इंडिया की भावना बेसिकली। प्रभावी संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना गजब है आपका, देखते ना नेता, भले मोदी जी कुछ भी करेंगे, उनका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है कितना गजब है। सकारात्मक दृष्टिकोण, हमेशा गांधी जी देखिए किसी भी मूवमेंट में, सम्मिलित करने की भावना, आप कितने लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। समस्या समाधान, आप प्रॉब्लम कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। धोनी को क्यों अनहोनी कहा था, धोनी अनहोनी है क्योंकि वो किसी भी मैच की समस्या को समाधान करने की क्षमता रखते हैं। तो ये अंतर्वैयक्तिक विशेष तत्व हो गए। अब अंतर्वैयक्तिक क्षमता का महत्व क्या है, महत्व तो आप जानते ही है। संप्रेषण क्षमता अच्छा होता है, एक तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होती है, मदद देना, किसी समस्या का समाधान करने में आप हेल्प कर सकते हैं। नेतृत्व, लीडरशिप करना, लीडरशिप क्वालिटी आपकी डेवलप होगी। निर्णय लेने की क्षमता विकसित होगी, डिसीजन मेकिंग पावर आपका डेवलप होगा। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी का विकास होगा, इंटेग्रिटी आपके अंदर आएगी, ऑनेस्टी आएगी आपके अंदर, और जवाबदेहिता में वृद्धि होगी। अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो आपके अंदर जवाबदेही में वृद्धि होने लगेगी। फिर अंतर्वैयक्तिक क्षमता का मुख्य तत्व क्या होता है, देखिए मेन पॉइंट क्या क्या है, व्यक्तियों में अपनी कमजोरियों तथा सामर्थ्य का आभास होता है कि क्या हमारी वीकनेस है, क्या हमारी स्ट्रांगनेस है, इनका आभास होने लगता है। दूसरे व्यक्तियों जैसे उच्च अधिकारी, अधीनस्थ तथा आम जनता से सम्मान स्थापित करने की क्षमता विकसित होती है आपकी। संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बेहतर हो जाएगी। समस्याओं के महत्व के आधार पर आप प्राथमिकता देने की क्षमता सोचेंगे। अगर आपके पास दो प्रॉब्लम आ जाए तो उनमें से आप कौन सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है इसके बारे में भी आप बेहतर जानने लगेंगे। जैसे अब 10 दिन बचे हैं और अभी कोई बच्चा बैठ के मेंस की तैयारी कर रहा होगा इंटरव्यू की, तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो अभी आपके पास पीटी ही पढ़ना, तो ये आप प्राथमिकता क्या है आपकी। कठिन परिस्थितियों में साहस का प्रदर्शन करते हुए अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन करने से पीछे ना हटना, इसे बोलते हैं हम, है ना, साहसपूर्ण दृढ़ता। एक अच्छा श्रोता होना, गुड लिसनर, बहुत जरूरी है। दूसरे की बात को हम सावधानीपूर्वक सुने। वैसे भी कहा था कि अच्छा व्यक्ति वही होता है जो 80% सुनने और 20% बोले। उचित परामर्श देने की क्षमता तथा संरक्षण प्रदान करने की क्षमता का होना, उचित परामर्श देना है तथा संरक्षण प्रदान करने की क्षमता आदि। फिर नेक्स्ट है संचार संप्रेषण, कम्युनिकेशन, है ना, तो कम्युनिकेशन तो आप जानते ही हैं सबसे महत्वपूर्ण है। संचार हमेशा कैसा होता है, द्विमार्गी होता है। आप अकेले थोड़ी बोल लेंगे, दो बच्चे होगा ना, दो व्यक्ति तो होंगे ही। संचार हमेशा द्विमार्गी या द्विपक्षीय होता है। बिल्बर के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश की गति स्रोत से श्रोता की ओर होती है। बिल्बर के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश की गति स्रोत से श्रोता की ओर होती है। संचार जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी व्यक्ति से कह रहा है या टीचर स्टूडेंट से कह रहा है, पति पत्नी, तो आपस में दो लोग संचार दो तरह के होते हैं, वर्बल नॉन वर्बल। तो देखिए शाब्दिक संचार, वर्बल जब बात करेंगे हम, वर्बल जो संचार कम्युनिकेशन है वर्बल में, शाब्दिक संचार में इसका मुख्य आधार भाषा होती है, लैंग्वेज, जैसे क्लास में टीचर द्वारा पढ़ाया जाना।
इसमें मौखिक तथा लिखित संचार दोनों आते हैं इसमें, है ना, ओरल भी आएगा, रिटन भी आएगा, मौखिक और लिखित भी। अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका होता है, इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, मूक तथा बधिर मनुष्यों के लिए होता है। अशाब्दिक संचार की अहम भूमिका भी होती है, जैसे मुस्कुराना। आप देखते ना कि इंटरव्यू बोर्ड में आपका अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन से बेहतर होता है। कोई बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा और आप वहाँ बैठे गुग्गू बन के, कोई फायदा नहीं। तो आपके चेहरे की जो स्माइलिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। संचार में संचार को अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। संचार लैटिन शब्दों कम्युनिस नाउन और कम्युनिकेस वर्ब से विकसित हुआ। लैटिन वर्ड कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ क्रमशः समानता और सार्वजनिक बनाना है, समानता और सार्वजनिक बनाना है। संचार की विशेषताएं क्या क्या पूछा जाता है इसमें से हमेशा, कम्युनिकेशन की विशेषताएं क्या क्या है देख लीजिए। तो संचार एक सतत व अनवरत प्रक्रिया है ना, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है। यह किसी तथ्य सूचना तथा भावना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने की प्रक्रिया है। किसी तथ्य सूचना को भावना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने की प्रक्रिया है। कई माध्यमों या प्रणालियों द्वारा इसे पूरा किया जा सकता है। संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या क्या है, रट लीजिए, बहुत पूछा जाता है। प्रेषक, सूचना, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपृष्ठ। सबसे पहले क्या प्रेषक होगा, आपका जो इंडिकेटर होगा, है ना, और लास्ट में क्या प्रतिपृष्ठ, फीडबैक, सबसे अंतिम में क्या फीडबैक होता है। तो प्रेषक है, सूचना है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता और प्रतिपृष्ठ। सबसे पहला प्रेषक, सबसे लास्ट में प्रतिपृष्ठ, फीडबैक बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ। संचार का इस संचार व्यवहार विनिमय का परिचायक है जिसका उद्देश्य दूसरों को प्रभावित, संचार का उद्देश्य क्या होता है, दूसरों को प्रभावित करना होता है। भाई मीटिंग में क्यों नेता मोदी जी बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं सभा में, ताकि जनता उनसे प्रभावित हो। टीचर्स बोलता है ताकि स्टूडेंट उनकी भाषा समझ सके, उससे प्रभावित हो। संचार प्रक्रिया संचार प्राप्तकर्ता की समझ तथा व्याख्या पर अधिक निर्भर होती है, क्योंकि प्राप्तकर्ता किसी संदेश या सूचना के अर्थ को नहीं समझ सकता तो ऐसा संचार अर्थहीन हो जाता है। अतः संचार वो नहीं है जो कहा गया, बल्कि संचार वह है जो समझा गया। कितनी बढ़िया बात है, संचार वह नहीं है जो कहा गया है, बल्कि संचार वह है जो समझा गया। अब समझिए, कोई टीचर बहुत ब्रिलियंट है, उसे बहुत आता है, लेकिन वो अपनी भाषा अपने संचार से स्टूडेंट को नहीं समझा सकता तो उसका कोई मतलब नहीं। जबकि वो टीचर जिसे कम आता लेकिन उसकी संचार कौशल ऐसा है कि वो जनता को समझा ले जाता है, तो उसका संचार कितना बेहतर होगा। एग्जाम तो वो बेहतर है। या नेताओं में देख लीजिए आप, कुछ नेता होते अच्छे हैं लेकिन उनकी कौशल, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी बेहतर नहीं है कि जनता को प्रभावित नहीं करते। गांधी जी से लेकर के, नेहरू जी से लेकर के, सुभाष से लेकर के, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान में मोदी जी, आप भले मोदी के समर्थक या विरोधी हो सकते हैं लेकिन मोदी जी की कम्युनिकेशन स्किल्स है कितनी गजब है वो आप देखिए। संचार प्रक्रिया में शब्दों, मुखाकृति, शब्दों और फेशियल एक्सप्रेशंस, आवाज का लहजा, टोन ऑफ वॉइस तथा हाव भाव, गेस्चर्स और मौन साइलेंस आदि का संचार, उनका प्रभाव भी पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है आपके टोन ऑफ वॉइस का, गेस्चर्स का, साइलेंस का। संचार के कार्य क्या क्या है देखिए। सूचना, संचार प्रक्रिया द्वारा सूचना जानकारी का संचरण किया जाता है। संचार प्रक्रिया द्वारा दूसरे व्यक्तियों को अभिप्रेरित, मोटिवेट या प्रोत्साहित करने का कार्य किया जाता है, प्रेरित या प्रोत्साहित करने का। कहते हैं ना, आपने देखा होगा रामचरितमानस में जामवन जी कहते हैं हनुमान जी से, का चुप साध रहा बलवाना, अचानक मोटिवेट हुए बजरंगबली और लंका पहुंच गए। भावनात्मक अभिव्यक्ति, संचार प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्तियों के समक्ष प्रकट करता है, है ना। नियंत्रण, संचार प्रक्रिया को दूसरे व्यक्तियों को नियंत्रित, निर्देशित एवं अनुशासित करने में उपयोग किया जाता है ना। संचार से तो हम नियंत्रित करते हैं, क्लास में टीचर डांट रहा है या घर में पिताजी होते हैं आपको डांटने या फटकारने या प्यार दुलार जैसे भी आपको कंट्रोल करते हैं ना, संचार से ही। तो अब अगला देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन बनता रखिए। सबसे पहले क्या, प्रेषक, प्रेषक कौन व्यक्ति जो संचार प्रेषित कर रहा है, प्रेषक, उसके बाद संकेतन, फिर संदेश का माध्यम होगा, कूटानुवादन, डिकोडिंग, प्राप्त करना, आपको रिसीव हुआ और आपने फीडबैक दिया। वही शुरुआत में हमेशा प्रेषक आएगा, लास्ट में क्या आएगा, फीडबैक आएगा। रट लीजिए, प्रेषक, संकेतन, संदेश माध्यम, कूटानुवाद करना, प्राप्त करना और प्रतिपुष्ट, फीडबैक। संचार प्रक्रिया के एवो क्या क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले एवो कम्युनिकेशन स्किल्स की, सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, विषय। संचार विषय संदर्भ से प्रभावित होगा। ये विषय संदर्भ कैसा होता है, कालक्रमणिक हो सकता है, भौतिक हो सकता है, सामाजिक, सांस्कृतिक। भाई कोई विषय होगा ना तभी तो हम संचार करेंगे। मान लीजिए आज हमारी क्लास में संचार का टॉपिक है साइंस, और साइंस से भी हमारा विषय मान लीजिए है आपका कि कोई भी, हमने मान लीजिए ब्लड डोनेशन,
या हमने ब्लड रक्त, तो वो सब्जेक्ट हो गया विषय। अब प्रेषक उसको जो दे रहा है, प्रेषक कोई व्यक्ति समूह या संगठन, तो आप क्लास में मान लीजिए प्रेषक कौन, टीचर हो गया, कोई व्यक्ति समूह या संगठन होगा। संदेश, संदेश वो मुख्य तत्व या जानकारी है जिसे प्रेषक सूचित करना चाहता है। संदेश का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, है ना, जो संदेश है आपका, जो टॉपिक है वो बिल्कुल स्पष्ट हो। जैसे ब्लड है तो ब्लड के बारे में पूरा स्पष्ट जानकारी हो। माध्यम, अब जिसके माध्यम से दिया जाएगा, माध्यम वो साधन है, मीडियम, जो संदेश के आदान प्रदान हेतु प्रयोग किया जाता है। संचारित उपयुक्त माध्यम का चयन करने संदेश प्रभावी होता है। जो जितना अच्छा आपका माध्यम होगा उतना ही अच्छा आपका कम्युनिकेशन होगा। कहते हैं ना माध्यम किस तरह का, वर्बल नॉन वर्बल माध्यम है आपका, है ना, ऑडियो विजुअल माध्यम है, ऑडियो ऑडियो जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, या आपका एक ही समय पर, तो वो कितना बेहतर है। और कूटवाचक या प्राप्तकर्ता, जो उसको सुन रहा है, प्राप्तकर्ता वो व्यक्ति है जिस तक सुनते, जैसे क्लास में बच्चे क्या हो गए, प्राप्तकर्ता हो गए स्टूडेंट। अब प्रतिपृष्ठ, फीडबैक, तो अगर हम बात करें फीडबैक की, तो फीडबैक क्या है, संचार प्रक्रिया का मुख्य तत्व है। प्रतिपृष्ठ द्वारा प्रेषक सुनित करना सफल होता है, मतलब फीडबैक, अब बच्चों से हमने इतनी क्लास पढ़ाई और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और आपका फीडबैक अगर पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आएगा, वो मुझे इस बात को बताएगा कि संचार मेरा कितना बेहतर था। अगर आपका फीडबैक मेरे प्रति पॉजिटिव आ रहा है, मैंने जो समझाया, इसका मतलब कि मेरा पढ़ाना आपके लिए बेहतर है, आपको समझ में आ रहा है और आपके भले के लिए होगा, तो फीडबैक कैसा भी हो वो जरूरी होता है। चलिए अब अगला है, फीडबैक ये बताएगा कि संदेश जो है प्राप्तकर्ता द्वारा सही रूप से समझ लिया गया है। अब संचार के प्रकार कितने, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहला तो माध्यम के आधार पर, मीडियम के आधार पर, फिर प्रवाह के आधार पर, और फिर औपचारिकता या अनौपचारिकता के आधार पर। तो पहला है माध्यम के आधार पर संचार, तीन प्रकार के होते हैं, मौखिक, लिखित और प्रक्रिया। मौखिक आप जानते हैं, ओरल, जब सूचना का संचरण बोलने एवं सुनने की विधि से होता है, बोलने एवं सुनने की विधि से होता है तो मौखिक संचार होता है। ये एक मार्गी भी हो सकता है, द्विमार्गी भी हो सकता है। जैसे अभी मैं जो संचार कर रहा हूँ आपके माध्यम से, वो एक मार्गी भी है, और अगर हम लोग लाइव क्लास कर रहे होते तो द्विमार्गी संचार होता। अब इसके अंतर्गत रेडियो, फिल्में, टेलीविजन, टेलीफोन, वार्तालाप, सम्मेलन, साक्षात्कार, आमने सामने दिए गए संदेश, सब क्या आते हैं, मौखिक आते हैं। लिखित संचार में क्या है, रिटर्न में क्या क्या है, इसके अंदर पुस्तकें हो गई, पत्र पत्रिकाएं हो गए, पोस्टर हो गए, होल्डिंग हो गए, नियोजन हो गए, साइन बोर्ड, बुलेटिन, आदेश पत्र, नियमावली, चार्ट और आज के PDF, ये सभी क्या है, लिखित संचार हो गए। अब प्रतीकात्मक संचार क्या होता है, मौखिक या लिखित नहीं होता, इसके अंतर्गत गर्दन हिलाकर सहमत या असहमत देना, होठों पर तर्जनी रखकर चुप रहने का संकेत देना या अंगूठा रखकर, कुल मिलाकर आप इसे समझेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में से आएगा। होता ना, आप क्लास में बैठे हैं, टीचर ने दूर से उंगली से इशारा कर दिया, या आप जानते हैं ना, आपने तो पढ़ा है बिहारी दास को, है ना, कितनी बढ़िया वो प्रतीकात्मक संचार करते हैं, है ना, आप उनके संकेतों को पढ़िए कि कैसे नायक नायिका बिना किसी बात कहे आपस में मिल जाते हैं, मिलत खिलत लजियात भरे भवन में नयनों से ही करत बात, है ना, तो बहुत बढ़िया प्रतीकात्मक संचार के एग्जाम्पल हैं। खैर, प्रवाह के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, प्रवाह वाला बहुत आता है, हर बार आया है, लास्ट ईयर भी आया था, देख लीजिए। तो प्रवाह में क्या है, पहला अधोगामी डाउनवर्ड संचार, जो अधोगामी संचार है आपका, जो डाउनवर्ड है कम्युनिकेशन है, वो होता है उच्च अधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी की तरफ सूचना प्रेषित, प्राय आदेशात्मक। अधोगामी क्या होता है, जैसे SDM ने तहसीलदार को दिया, या DM ने SDM को, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, अधोगामी डाउनवर्ड, जब कोई उच्चाधिकारी अपने निम्नस्थ या अधीनस्थ अधिकारी की तरफ सूचना को प्रसित करता है तो उसे अधोगामी कहते हैं, और प्राय आदेशात्मक होता है। जैसे DM ने कोई सूचना जारी कर दी नीचे अपने अधिकारी, तो आदेश ही हुआ ना एक तरह से, वो तो अधोगामी हो गया, तो अधीनस्थ अधोगामी उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी को। अगला है ऊर्ध्वगामी संचार, ऊर्ध्वगामी अपवर्ड होता है, अधोगामी क्या डाउनवर्ड, ऊर्ध्वगामी अपवर्ड, ये क्या होता है, अधीनस्थों द्वारा उच्च अधिकारियों को संचार प्रेषित किया जाता है, प्रगत प्राय प्राथमिक। ऊर्ध्वगामी क्या होता है, जब कोई अधीनस्थ द्वारा उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया, जैसे मान लीजिए कोई रिपोर्ट मांगी गई है, या कोई मान लीजिए किसी विद्यालय में या किसी गांव में कोई अचानक बाढ़ वगैरह आ गई, तो अब वहां पर स्थानीय लेखपाल ने उसकी जानकारी अपने SDM को दी या DM को दी, या किसी गांव में फसल खराब हो जाती, या कहीं पर कोई ऐसी समस्या जैसे स्कूल में है,
समझिए कि स्टूडेंट्स हैं, उन्हें कोई समस्या लगती है और वो अपनी टीचर से अपनी प्रॉब्लम को कहने जा रहे हैं, है ना। मतलब कुल मिला के निम्न अधिकारी द्वारा जब उच्च अधिकारी के को संचार करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वगामी प्रार्थनात्मक। जैसे किसी लेखपाल द्वारा अपने तहसीलदार को कोई शिकायत, कोई प्रार्थना पत्र या कोई ज्ञापन देना, तो ठीक ऊर्ध्वगामी डाउनवर्ड, अधोगामी था डाउनवर्ड, ऊर्ध्वगामी अपवर्ड हो गया। अब अगला है पार्श्व या समस्ती क्षैतिज संचार, बहुत पूछा जाता है, तीन नाम इसके, पार्श्व समिस्त्री या क्षैतिज, पार्श्व समिस्त्री क्षैतिज। पर इस प्रकार के संचार के बीच अंतर्गत समान स्त्री कार्मिक आपस में संचार करते हैं। इसमें क्या होता है कि इक्वल समान स्त्री कम्युनिकेशन होता है, पार्श्व में या क्षैतिज में, समिस्त्री में, समान स्त्री, दोनों व्यक्ति समान स्थिति में होते हैं। जैसे गूगल के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट सीईओ के मध्य संचार हो, या सीधी बात समझिए कि गांव के मंदिर में बैठे हुए दो दोस्तों के बीच आपस में संचार हो, है ना, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री इंडिया और मान लीजिए अमेरिका पीएम के भी संचार हो, या दो डीएम के भी संचार हो, दो एसडीएम के भी संचार हो, है ना, पत्नी के भी संचार हो, है ना, क्लास में दो छात्रों के भी संचार हो, विद्यालय में दो अध्यापकों के भी संचार हो, तो यानी कि जो समान स्तर के संचार होंगे वो क्या होंगे, पार्श्व समिस्त्री क्षैतिज संचार, है ना, गूगल के सीईओ या माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, तो इक्वल कुल मिला के समान जिन परिस्थितियों वाले संचार वो समिस्त्री संचार कहलाएंगे। चौथा है डायगोनियल विकर्ण या संप्रेषणीय संचार, यही बहुत पूछा जाता है। विकर्ण संप्रेषणीय संचार क्या होता है, विकर्ण संप्रेषण संचार विभिन्न कार्यात्मक प्रभागों में कार्यरत कर्मिकों एवं प्रबंधकों के मध्य सीधे संप्रेषणित करता है, ये वरिष्ठ कनिष्ठ उच्च निम्न से परे होता है। विकर्ण संप्रेषण का प्रयोग बड़े संगठनों के मैट्रिक्स या परियोजनाओं आधारित संरचनाओं में अधिक प्रयोग, देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्यालय किसी भी विभाग में वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो मैनेजर हैं, वहाँ के जो ऑनर हैं, प्रबंधकों के बीच सीधे संप्रेषण होता है। इस संप्रेषण में कोई ऊंच नीच, बड़ा नीचा, अधोगामी ऊर्ध्वगामी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग बुलाई गई स्कूल के भले के लिए, आप एग्जाम्पल लीजिए कोई विद्यालय में, तो मैनेजर भी है, टीचर भी है, स्टूडेंट्स भी हैं, तीनों बैठे हुए हैं, तो वो जो संचार होगा आपका वो किसका, विकर्ण संचार होगा। या घर में मान लीजिए पत्नी माता पिता पुरुष एक साथ बैठ करके संचार कर रहे हैं, या कभी पूरे जिले के अधिकारी एक साथ बैठ करके उस जिले की वास्तविक समस्याओं के लिए संचार करने पर तैयार हों, तो विकर्ण या संप्रेषणीय संचार कहलाएगा। ये परियोजना आधारित होते हैं, मान लीजिए मनरेगा की समीक्षा करने के लिए मनरेगा संबंधित जितने भी अधिकारी हैं, बीडीओ, लेखपाल और डीएम, सब एक साथ बुला लिया जाए, तो ये क्या कहलाएगा, विकर्ण या संप्रेषणीय। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलने वाले, आज आपको क्या करना है, जितना मैं लिखा रहा हूँ बार बार इसको आपको रटते जाना है, सुनते जाना है, ताकि सीसेट का जो भय आपको है आपसे दूर हो जाए। आप लोगों ने बहुत बार बार कहा था मुझसे, इसलिए मैंने एक पीडीएफ मिला बेहतर, उसको मैंने डिस्कस करने का प्रयास किया है ताकि आपकी हेल्प हो सके, और मेरा कोई इतना उद्देश्य नहीं। अगला है, अगला जो संचार है औपचारिक और अनौपचारिक संचार, है ना, ये बहुत पूछा जाता है औपचारिक और अनौपचारिक। तो जो औपचारिक संचार होता है, औपचारिक संचार संगठन द्वारा निर्धारित कुछ निश्चित नियमों या ढांचों के अंतर्गत ही किया जाता है, इसके उल्लंघन होने पर दांडिक कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी औपचारिक संचार में तीन प्रकार का संचार होता है, ऊर्ध्वगामी वही अपवर्ड, है ना, अधोगामी डाउनवर्ड, और समिस्त्री वही क्षैतिज। तो औपचारिक संचार के कुछ नियम होते हैं, जैसे ऊर्ध्वगामी, जैसे ये मान लीजिए आपको एक आपको लेखपाल को एक एसडीएम से बात करनी है, तो उसके कुछ नियम है, वो सीधे ऐसे नहीं घुस जाएगा, या डीएम भी कोई आदेश दे रहा है नीचे अपने कम्युनिकेशन अधिकारियों को, तो उसकी भी एक बनी बनाई पर पार्टी प्रक्रिया होती है। तो कुल मिला के औपचारिक संचार कुछ निश्चित रूल्स रेगुलेशन के तहत ही किया जा सकता है, और इसका अगर उल्लंघन हुआ तो दांडिक कार्रवाई होती है। मान लीजिए डीएम ने कोई आदेश पारित किया और उस कम्युनिकेशन पर आपने काम नहीं किया, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये क्या औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार है ना, तो ये तो बहुत सिंपल है। कीट डेविड मॉडल इसके लिए कहते हैं, इनका मानना है कि औपचारिक संचार को रोका या समाप्त नहीं किया जा सकता है। औपचारिक संचार को अंगूर लता संचार भी कहते हैं, ग्रेफ वाइन भी कहते हैं, ग्रेफ वाइन। औपचारिक संचार मित्र मंडली के मध्य होने वाला संचार है जिसे वैधानिक स्थिति प्राप्त नहीं। औपचारिक संचार, अनौपचारिक संचार, जो अनौपचारिक संचार है वो आपका कोई रूल और नियम पर नहीं होता है, वो मित्र मंडली द्वारा होता है, गांव में बैठे हुए चार पांच मित्रों के द्वारा, या कोई मान लीजिए अधिकारी दो आपस में मित्र हैं तो शाम को मिल रहे हैं,
तो अनौपचारिक संचार के कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं, ये आपके सीधे कभी भी किसी भी स्तर पर आप देखिए अधिकांश हमारे देश में क्या अनौपचारिक संचार होता है, क्लास में छात्रों के बीच, ट्रेन में बैठे हुए लोगों के बीच, दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, सब क्या अनौपचारिक संचार होता है। और अनौपचारिक संचार के प्रकार क्या होते हैं, एक देखिए टाइप्स क्या क्या है, एकल छोर या सीधी श्रृंखला, बहुत पूछे अनौपचारिक संचार एक तरह से एकल छोर या सीधी श्रृंखला में भी हो सकता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई संदेश देता है तथा दूसरे व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति, अभी चल रहा है जैसे गांव में महिलाएं हैं या पुरुष हैं, गांव में कोई एक बात किसी एक व्यक्ति को, मान लीजिए ए व्यक्ति को एक बात मिली, उसने थोड़ी बढ़ाकर बी को बता दी, फिर बी ने सी को, सी ने फिर डी को, तो ये संचार का एक सीधी श्रृंखला में चल रहा है। मतलब राम को कोई जानकारी हुई और श्याम तक, श्याम ने उस जानकारी को मोहन, और एक सीधी। फिर अगला है गप मारना या स्टार श्रृंखला, अभी गप मारना बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं आप इसको, स्टार श्रृंखला। इस प्रकार के सूचना नेटवर्क में एक व्यक्ति संपूर्ण नेटवर्क के केंद्र में होता है तथा नेटवर्क में सभी सदस्य एक दूसरे से अनौपचारिक, जैसे मान लीजिए गांव में मंदिर है, मैं खुद अपने गांव में जाता हूं कानपुर देहात में, जब मेरा पत्र गांव भिवान है शिवली के पास, वहां पर मान ले गया मंदिर में, एक हमारे दो तीन मित्र, नाम नहीं ले सकता उन मित्रों का, तो वो बैठते हैं मित्र वगैरह। अब मान लीजिए उसमें एक मित्र हमारा बहुत ज़्यादा गप मारता है, वो तो व्यक्ति यहाँ पर बैठ गया बीच में, वो व्यक्ति मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है और चारों ओर अन्य दोस्त बैठे हुए, अब वो कोई बात बता रहा है और हम चारों उस पर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं, अरे वाह वाह क्या मजा आया है, झूठ बोला जो भी, तो ये क्या है एक तरह से स्टार श्रृंखला में हो रहा है। मतलब जो एक व्यक्ति ऐसा है जो केंद्र में, जो आपको सुना रहा है और बाकी चारों ओर दोस्त उसकी बातों को ज़्यादा हाईलाइटेड रूप से ले रहे हैं, है ना। अरे यार मिर्जापुर वेब सीरीज में देख लीजिए मुन्ना भाई को, क्या नाम उनका आपका, मुन्ना भैया क्या नाम उनका, नाम तो मैं भूल गया, जो भी उनका नाम है ना, तो उसमें को जो बने हैं आपके उस उनके बाकी सभी लोग तो हाहाकार निकल रहते हैं ना उसमें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, संभावना या प्रामिकता श्रृंखला, संभावना या प्रायिकता श्रृंखला। क्या प्रायिकता नेटवर्क, वो अनौपचारिक सूचना नेटवर्क होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति यादृच्छिक स्वेच्छा के रूप में एक दूसरे को संदेश देते हैं, किंतु इस नेटवर्क में प्रत्येक व्यक्ति हेतु सूचना का स्रोत एक ही व्यक्ति ना होकर भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक अनौपचारिक सूचना, प्रत्येक व्यक्ति यादृच्छिक रूप से दूसरे को संदेश देते हैं लेकिन ये सूचना का स्रोत एक ही नहीं होता। मान लीजिए अब ये कोई एक व्यक्ति है, एक इसने संदेश इसको भी दिया, इसने इसको भी दिया, इसने इसको भी, और इसने इसको, जैसे मान लीजिए राम ने कोई बात श्याम को बताई कि यार कल 2 बजे हमारे गांव में चोरी हो गई, और राम ने वही बात मोहन से कही कि नहीं यार कल हमारे 3 बजे, वो अलग तरीके से बनता जाएगा, प्रायिकता श्रृंखला बेसिकली है ना, गांव बहुत देखने। फिर अगला है गुच्छा श्रृंखला, क्लस्टर चेन, बहुत बेहतरीन जानते हैं आप। क्लस्टर चेन में क्या है, गुच्छा नेटवर्क वो सूचना नेटवर्क होता है जिसमें केंद्र में स्थित व्यक्ति कुछ चयनित व्यक्तियों को सूचना देता है और वो चयनित व्यक्ति कुछ अन्य चयनित व्यक्तियों को सूचना देते हैं। इस प्रकार क्रम चलता रहता है, मान लीजिए ये व्यक्ति था, इसने कुछ सूचना इसको दी, अब इसने 3 को दे दी, अब ये 3 आगे जाकर वो आने होता है, एक बार आया था एम वेर, रोना छोड़ो मुस्कुराओ वाले, मतलब चैन सिस्टम बनता जाता है ना। जैसे एक पीडीएफ आपने, एक पीडीएफ अभी एक व्यक्ति को मिली, वो पीडीएफ 3 व्यक्ति तक पहुंच गया, वो 3 से वो 9 व्यक्तियों तक पहुंच गई, तो ये गुच्छा श्रृंखला में वही बात हो रही है उसी तरह से। अब अनौपचारिक संचार की विशेषताएं क्या क्या है, एक तो लचीलापन इसमें होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है इसमें, तीव्र संचार, बहुत तेज कम्युनिकेशन होता है, विरूपण होता है, स्वाभाविकता या सहजता, इसमें बनावटीपन नहीं होता है, अनौपचारिक संचार का कोई विवरण नहीं होता, कोई भी इसमें अनौपचारिक संचार नहीं होता है, अनौपचारिक मतलब अनौपचारिक संचार कोई विवरण नहीं होता, कोई मतलब पहले से कोई इसमें फिक्स नहीं होता है, अनौपचारिक संचार धन की आवश्यकता नहीं, इसके लिए कोई मनी नहीं चाहिए, जबकि औपचारिक में क्या होता है, लेटर लिखना, पत्र लिखना, धन, अनौपचारिक में तो आप बैठ जाइए कहीं बातें करने लगे, हंसने लगे, कोई धन की आवश्यकता नहीं है। गहरा प्रभाव पड़ता है इसका, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है अनौपचारिक संचार का, व्यापक होता है, बहुत लोगों के बीच हो सकता है, और मौखिक बर्बल ज्यादा होता है। अब संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। अब कम्युनिकेशन स्किल्स में, कम्युनिकेशन प्रोसेस में कितने लोग शामिल हो सकते हैं उसके आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है 4 प्रकार का। पहला होता है अंतःवैयक्तिक संचार, अपने आप से बात करना, और ये हमें से बहुत कम लोग करते हैं, जरूर अंतःवैयक्तिक संचार होना चाहिए। अधिकांश महान लोग अंतःवैयक्तिक संचार करते थे, और कुछ पागल लोग भी करते हैं, हालांकि अंतःवैयक्तिक अपने आप से बात करना, आप अपने बारे में एक आध घंटे सोचिए कि आज हमने क्या नहीं किया। अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक, अंतः मतलब अपने भीतर, अंतःवैयक्तिक संचार अपने आप से बात करना। दूसरा अंतर्वैयक्तिक संचार, इंट्रापर्सनल,
अंतर्व्यक्ति क्या पर्सनल हो गया, अंतर्व्यक्ति क्या इंट्रा पर्सनल, दो व्यक्तियों के बीच अंतर्व्यक्ति, दो व्यंजक, दो व्यक्तियों के संचार हो गया। समूह संचार कम्युनिकेशन, जैसे कक्षा में संचार हो रहा है। जन संचार तो जो पब्लिक कम्युनिकेशन, वो तो मीडिया में सरकार द्वारा कोई भाषण देना, मोदी जी का जैसे मन की बात या अन्य कोई। अब संचार नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं, तो देखिए प्रकार कितने हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क से टाइप्स बात करें तो पहला होता है पहिया तारा प्रकार का संचार, व्हील या स्टार टाइप, पहिया तारा या व्हील या स्टार में कौन कौन। तो जो पहिया तारा प्रकार का संचार होता है उसकी गति उच्च होती है, सुस्पष्टता भी उच्च होती है, नेतृत्व भी उच्च होता है, संतुष्टि भी, संतुष्टि लेकिन इसमें फीडबैक क्या होती है बहुत कम होती है, अत्यल्प होता है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति बैठा है, मैंने बताया ना पढ़ा समझाया था आपको, बीच में बैठा हुआ है और उसके चारों ओर लोग है ना, तो जल्दी जल्दी बातें भी बताएगा, स्पष्ट बोलेगा, लोग सुनेंगे हंसेंगे, लेकिन संतुष्टि बहुत ज़्यादा उसमें नहीं। वाई या हेयर पिन प्रकार का, वाई या हेयर पिन जो आपने बताया कि विकर्ण वाला, वाई प्रकार का संचार, वाई में अब एक व्यक्ति है उसने कोई बात एक से कही फिर वो ऐसे बढ़ के चली गई, वही फिर वो एक दो से फिर तीन आगे वाई बनता जाएगा है ना वो। फिर श्रृंखला प्रकार, श्रृंखला मैंने बताया था आपको एक ही व्यक्ति के द्वारा जब है ना आगे सीरीज लाइन में चल रही थी एक एक दो करके ऐसे करके, तो उसकी गति अत्यल्प धीमी होगी, एक से एक को धीमी होगी, सुस्पष्टता भी निम्न होती एक ही बात है, नेतृत्व सीमित होगा चूंकि सिंगल है, संतुष्टि नगण। वृत्ताकार एक गोल घेरे वाला है ना, इधर बैठे उधर बैठे वृत्ताकार। और अगला है सभी मार्ग प्राकार तंत्र या क्रमवार नेटवर्क जो होता है, सबसे कहीं से भी हो रहा है मतलब सिंगल भी है, लाइन भी है, डबल भी है, वृत्ताकार सभी, तो गति भी इसकी उच्च होगी, सुस्पष्टता इसमें मध्यम होगी क्योंकि अलग अलग तरह की बातें आएंगी, नेतृत्व बिल्कुल नहीं होगा, संतुष्टि लेकिन उच्च होगी क्योंकि फीडबैक आपको जो होगा उच्च, क्योंकि इसमें कई तरह की बातें लोगों को सुनने को मिलेंगी। अब उच्च निम्न अधिकारी संचार एक होता है, सातवां है उच्च निम्न अधिकारी संरचना, साथ ही कुछ इसमें समस्त्री भी होते हैं। अब कोलाहल, कोलाहल भी बहुत सुना आपने, क्या होता है प्रत्येक संगठन में प्रभावी संचार में कुछ बाधाएं आती हैं, कम्युनिकेशन में कुछ बैरियर्स आते हैं तथा वे संभावित बाधाएं जो सूचना के प्रवाह को प्रभावित कर सकती हैं वो कोलाहल कहलाती हैं। अब किसी भी कम्युनिकेशंस में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो जो प्रॉब्लम्स उस कम्युनिकेशन के फ्लो को, उस प्रवाह को बाधित करती हैं उन्हें ही कोलाहल कहते हैं। देखिए क्या क्या होते कोलाहल के प्रकार, पहला क्या है पर्यावरण संबंधी कोलाहल। मान लीजिए पर्यावरण संबंधी, अब जैसे कोई क्लास है, जैसे एग्जांपल किसी कक्षा के समय ऊंचे स्वर में बजता और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, बगल में लाउड स्पीकर बज रहा बहुत तेज, तो आपका संचार अपने आप धीमा हो जाएगा। शारीरिक क्षत से उत्पन्न कोलाहल, मान लीजिए उस व्यक्ति में मुख बधिर है, वो दृष्टिहीन है, प्रॉपर सुन नहीं पा रहा है, प्रॉपर देख नहीं सकता, तो भी समस्या होगी। अर्थ संबंधी कोलाहल, अब जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते जिनका अर्थ नहीं जानते, अंग्रेजी भाषा के वीड शब्द का प्रयोग खरपतवार हेतु किया जाता है, अतः इस संबंध में वक्ता एवं श्रोता, अब वैसे वीड एक वीड शब्द होता है और एक वीड और भी होता है, तो वीड का मतलब किस दो रूप में कर सकते हैं लोग, तो समस्या हो सकती है ना। अर्थ संबंधी, आपने उसका अर्थ किस में लिया, एक वीड का अर्थ खरपतवार भी, एक वीड का दूसरा, जैसे मान लीजिए कोई है ना अलंकार में भी कभी कोई दिक्कत होती है, आदमी लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहा है, वो कहना कुछ कहा जा रहा है वो समझ कुछ रहा है। जैसे गुरु, गुरु हिंदी में अगर देखें ना तो गुरु को हम लोग, और एक होता है गुरु है ना, नल नील, इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हम अर्थ उनका स्पष्ट नहीं कर पाते कि वो कहना वास्तव में क्या चाह रहा है। वाक्य रचना संबंधी कोलाहल, वाक्य रचना का वो सीताफल लाया है वाक में, अब सीताफल लाई है होना चाहिए, अब सीताफल लाया, या गाय को काटकर गाजर खिला दो, ऐसे वाक्य जो होते थे। फिर व्यवस्थापन संबंधी कोलाहल, एक संदेश प्राप्तकर्ता को यदि अस्पष्ट अनुपयुक्त शब्दों के प्रयोग से युक्त दिशा निर्देश दिया जाता है तो वो संदेश असमर्थ, मतलब कोई संदेश है प्राप्तकर्ता को अस्पष्ट रूप से मिला तो क्या समझेगा, तो व्यवस्थापन हो गया। सांस्कृतिक कोलाहल, यदि किसी गैर ईसाई व्यक्ति को मैरी क्रिसमस कहकर बधाई दी जाए तो संभव है कि बुरे अर्थ में ले जाए और आगे संचार, मान लीजिए कोई मित्र है आपका और वो उस किसी धर्म या किसी संप्रदाय से नहीं उतना मानता है, उसको आप मैरी क्रिसमस कहें तो हो सकता है वो आपके प्रति निगेटिव भावना बना ले कल से, है ना। मनोवैज्ञानिक कोलाहल, साइकोलॉजिकल में क्या, जैसे अत्यधिक क्रोध एवं उदासी की अवस्था में कोई व्यक्ति चल रहे संचार में अपनी रुचि खो देगा, मान लीजिए आप उसे पढ़ा रहे हैं और व्यक्ति अत्यधिक गुस्से में बैठा हुआ है या उसके अंदर किसी उदासी है या वो घर से खाना खाकर नहीं, या भूखा पेट बैठा हो, कहते हैं ना भूखे भजन हो रहे गोपाला, और उसे पढ़ा रहे खूब, क्या समझेगा, कुछ भी नहीं समझेगा।
तो सुन ये हो गया एक तरह, यानी कि सुनना एक महत्वपूर्ण अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण क्षमता है। हम सुनने में 45% समय लगाते हैं जबकि विशेषज्ञों की राय में 80% श्रवण और 20% कहना श्रेष्ठ है। मैंने कहा था ना कि सुनने के लिए क्या कि 80% आप बात सुने और 20% बोले, लेकिन हम नॉर्मल क्या करते हैं 45% ही सुनना चाहते हैं, 55% बोलते हैं। अब प्रभावी संचार को बाधित करने वाले तत्व क्या क्या होते हैं, मतलब है ना एक बेहतर कम्युनिकेशन को बाधित करने वाले तत्व क्या क्या हैं। एक तो शब्दार्थ बाधाएं, इसके अंदर निम्नलिखित बाधाओं का जो आपके शब्द और अर्थ की बाधाएं क्या क्या होती हैं वो देखिए। पहला तो होगा संदेश की अस्पष्ट अभिव्यक्ति होती है, संदेश की अस्पष्ट। इस प्रकार की बाधा में मुख्यतः गलत शब्दों के चयन, वाक्यों के गलत क्रम में प्रयोग और पुनरावृत्ति की अधिकता का उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए लिखा होता है नजर व वधू के पके चश्मे, जबकि होता है नजर व धूप के, कभी कभी पढ़ लीजिए उसको, कुछ लोग बतासा को बसाता कहते हैं, लखनऊ को नखलऊ कहते हैं, है ना। तो ये अस्पष्ट अभिव्यक्ति हो जाती है ना। राहुल साक्रात्यान है, संस्कृतायन पढ़ लेते हैं, तो ये चीज़ें क्या फिर अस्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे प्रतीकों एवं शब्दों का प्रयोग जिनके अपने अर्थ हो, उदाहरण वैल्यू शब्द के निम्न अर्थ होते हैं, वैल्यू अलग अलग होता है, वैल्यू का अर्थ कहीं पर अलग, वैल्यू का अर्थ कहीं पर अलग वैल्यू, लेकिन हम अब उसका अर्थ आपने किस रूप में लिया, वैल्यू ऑफ आवर फ्रेंडशिप है ना, व्हाट इज ही वैल्यू है ना, तो इस तरह करके। त्रुटिपूर्ण अनुवाद, कभी कभी किसी शब्द का हम अनुवाद उल्टा कर लेते हैं, या सूचनाओं के अनुवाद में गलती हो जाए तो ये संचार प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। अब अनुवाद का एग्जाम्पल मान लीजिए किसी ने आपसे कहा, अब जैसे वही है सारंग, अब सारंग कैसे परिवाची होते हैं, किस रूप में आप ले रहे हैं उसको। अस्पष्ट धारणाओं का प्रयोग, कभी कभी संदेश प्रेषक बिना प्रमाण ये मान लेता है कि संदेश प्राप्तकर्ता कुछ आधारभूत धारणाओं को जानता है, अतः उसे किसी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बात बता देना ही पर्याप्त होगा। प्रेषक का दृष्टिकोण किसी विषय से संबंधित दैनिक संचार के संदर्भ में किस सीमा तक सही है, किंतु किसी विशेष संदर्भ के संबंध में बिल्कुल गलत सिद्ध होगा। मान लीजिए अस्पष्ट धारणाएं, कभी कभी संदेश प्रेषक बिना प्रमाण के ये मान लेता है, जो संदेश मिला बिना प्रमाण के, मान लीजिए कोई बात आपने कही लेकिन हो सकता है वो बात वहां पर लागू हो लेकिन वही बात किसी अन्य देश पर लागू नहीं हो। जैसे जो पहनावे संबंधी या भोजन संबंधी अवधारणाएं अमेरिका की, वो भारत पर हूबहू लागू नहीं होती, लेकिन हम वैसा प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। तकनीकी शब्दावली, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आदि, यदि कोई संप्रेषण आम जनता से तकनीकी भाषा में करता है तो संप्रेषण में आम जनता के ना समझने में बाधा आती है। वही है कि आप गाँव में जाके भाषण दे रहे हैं और आप इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वोट कहाँ से मिलेंगे आपको। अब वहाँ पर रोम रैम CPU मॉनिटर जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे और उपयोग जनता नहीं जानती तो दिक्कत हो सकती है आपके लिए। देह भाषा और भावभंगिमा का गलत अर्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब संचार ही देह भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज है आपकी है ना, कम्युनिकेशन बिहेवियर है आपका, तो प्रयोग इनका गलत अर्थ निरूपण की संभावना बनी रहती है। इससे गलत अर्थ निरूपण संदेश की उचित समझ को बाधित करता है। मान लीजिए आपको कोई बात बहुत धीमे स्वर में कहनी है, कहीं पर मान लीजिए आप कोई भाषण दे रहे और वहाँ पर आ सकता है कि आप धीमे एग्जाम्पल वहाँ पर तेज चिल्ला रहे हैं, जहाँ पर तेज चिल्ला वहाँ पर धीमे बोल रहे हैं तो वो समस्या होगा। आपकी शोक सभा में गए वहाँ पर आप बहुत तेज बोल रहे हैं, ये तो ये क्या होगा कि आपकी भावभंगी बोल भी रहे हैं और आप हाव भाव, मान लीजिए आप किसी शोक सभा में गए वहाँ पर आप चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए हुए हैं तो फिर ये कम्युनिकेशन स्किल गलत होगा है ना। इस तरह आप इंटरव्यू बोर्ड में गए और वहाँ आप दुखी बैठे हुए हैं तो फिर समस्या हो जाती है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक बाधाएं क्या क्या हैं। अपरिपक्व आकलन है ना, आप सही से आकलन नहीं कर पा, इवोल्यूशन नहीं कर पा रहा किसी का। पर्याप्त ध्यान देना, आपके सामने टीचर पढ़ा रहा और आप मोबाइल में मस्त हैं, कान खुजाने मस्त हैं है ना, लैक ऑफ अटेंशन। संचार प्रक्रिया में हानि और कमजोर स्मृति, लेस बाई ट्रांसमिशन एंड पुअर है ना। आप संचार प्रक्रिया में ना तो एक तो आप समझ पाते हैं और आप जल्दी याद भी नहीं कर पाते, कमजोर स्मृति, आप भूल जाते हैं। अविश्वास या संदेह, या आप सामने वाले पर हमेशा डिस्टर्स करते हैं है ना, उस पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, डिस्ट्रस्ट करते हैं तो भी आपके लिए समस्या, संदेह, यार ये क्या पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है। जैसे आप मान लीजिए मुझ पर ही आप अविश्वास या संदेह करते हैं तो आप घात होगा, अरे जो पढ़ा रहा है पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। फिर संगठनात्मक बाधाएं क्या होंगी, संगठनात्मक नीतियाँ है ना, नियम एवं विनियम क्या क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं, अब कितने कठोर हैं, कितने सरल समस्या करती, स्तर ओधा है, हैसियत कैसी है उस व्यक्ति की बताने वाली की, उस संगठन की। मान लीजिए टाटा का ब्रांड है तो आप देखते ही आप जानते हैं अच्छा ब्रांड होगा, कोई लोकल ब्रांड अरे छोड़ो हटाओ। संगठनात्मक ढांचे में जटिलता कितनी है, संगठनात्मक सुविधाएं कितनी, भौतिक और प्राकृतिक बाधाएं क्या हैं वहाँ पर है ना। फिर व्यक्तिगत बाधाएं दो प्रकार की होती हैं, उच्च अधिकारियों संबंधित बाधाएं और अधीनों संबंधित।
तो जो उच्च अधिकारियों से संबंधित बाधाएं क्या होती है, प्राधिकार को चुनौती कब है, उनको लगता है अरे हमारे पावर को कौन, डीएम को लगता है अरे हमसे बड़ा कोई हो सकता है इस जिले में, है ना, फियर ऑफ चैलेंजिंग अथॉरिटीज, अधीनस्थों में विश्वास का अभाव, और जो उनके नीचे होते हैं उन पर विश्वास नहीं करते, अरे ये तो कुछ जानते ही नहीं पीसीएस वाले, अधीनस्थों में क्या बाधाएं होती है, संचार के बाद अनिच्छा, अनविलिंग टू कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट, वो चाहते हैं अधिकांश की हम बात करें अपने अधिकारियों से, पता नहीं क्या ऊपर वाले अधिकारी हमसे कहने लगे, उपयुक्त प्रोत्साहन का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर, है ना, इंसेंटिव, उनको पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं, अगर अच्छा काम भी करते तब भी नाम किसका होता, बड़े अधिकारी का होता है, फिर शांत रहते वो, तो ये चीज़ें, सूचना लिसनिंग क्या सुनना लिसनिंग, सुनना एक अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का एक महत्वपूर्ण भाग है, सुनना दो प्रकार का होता है, एक तो होता है निष्क्रिय एक सक्रिय, निष्क्रिय श्रवण, इसे हम प्रेषक को संदेश को निष्क्रिय रूप से पूर्णता ध्यान, जैसे कोई क्लास में पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपने अरे ठीक है क्या सुनना है इसको, निष्क्रिय मतलब उसमें आप कोई एक्टिविटी नहीं करते, क्लास में मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा, बच्चे उसमें कोई आंसर नहीं दे रहे हैं, तो फिर निष्क्रिय श्रवण है। सक्रिय श्रवण के अंतर्गत है न केवल हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं बल्कि मौखिक एवं गौर मौखिक संकेतों के माध्यम से सुनने का, जैसे सर ने पढ़ा जी सर हाँ यस सर, चेहरे से भी हम अपनी गर्दन को भी हिलाते हैं, तो मौखिक श्रवण, सक्रिय श्रवण अच्छा हो गया, या आप अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ बाद में आप जब सुनेंगे इस वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे हाँ आपका बेहतर लगा। सक्रिय श्रवण को के गौर मौखिक संकेतक क्या होते हैं, देखिए एक तो होता है मुस्कान, स्माइल, आप पढ़ रहे हैं आप वहाँ गुग्गू बने बैठे हैं तो दिक्कत है ना, स्माइल, आँखों के मध्य संपर्क, आई कॉन्टेक्ट कितना बेहतर है आपका, अंग विन्यास, जैसे श्रोता आगे झुककर सुनता है इसका मतलब आपका ध्यान क्यों जा रहा, प्रतिबिंबन, ध्यान ना भटकाना, जैसे बार बार घड़ी ना देखना आदि, है ना। सक्रिय श्रवण के मौखिक संकेत क्या होते हैं, सकारात्मक प्रवचलन, एग्जाम्पल वक्ता के प्रोत्साहित करने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा हाँ सही, आ शब्दों का प्रयोग कम से कम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट तो कर ही सकते हैं कि हाँ मैंने अच्छा पढ़ाया। स्मरण रखना, वक्ता द्वारा कही हुई कुछ बातों को याद रखना कि सर ने बताया था। पूछताछ करना, वक्ता द्वारा कही जा रही बात के संबंध में कुछ प्रश्न पूछना। परावर्तन, श्रोता द्वारा अपनी समझ को प्रदर्शित करने हेतु वक्ता की कही हुई बात को दोहराना या उसकी संक्षिप्त व्याख्या करना परावर्तन कहलाता है। स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण के अंतर्गत श्रोता द्वारा वक्ता से प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसके बाद संवाद को सही रूप से समझा सके। स्पष्टीकरण मतलब पूछता है ना श्रोता। अब अच्छे श्रोता गुण क्या होते हैं, लिसनर के क्या गुण होते हैं, पहले तो वक्ता के शब्दों पर ध्यान देते हैं। अच्छा श्रोता निर्णय डिसीजन करने में शीघ्रता नहीं करते और सोच विचार कर ही निर्णय पर पहुँच पाते हैं। संवाद के समय वक्ता को मृदुतापूर्वक रोकते हैं, अगर कोई बात में बीच में बातचीत करें तो बड़े विनम्र सर सॉरी सर एक्सक्यूज मी ये बात इस तरह करके अपनी बातों को सुनने की भी इच्छा रखते हैं। अच्छे श्रोता सभी व्यक्तियों की बातों को सुनते हैं और केवल अपनी ही बात कहने के लिए व्याकुल नहीं होते, मतलब यानी कि जब जरूरत हमको ही बोलना है। मौखिक संचार के साथ साथ गैर मौखिक वर्बल नॉन वर्बल है ना दोनों कम्युनिकेशन में ध्यान देते हैं। अच्छे श्रोता आलसी नहीं होते, यानी कि पढ़ा जा रहा वहाँ ऊँग रहे हैं तथा संवाद को समझने हेतु परिश्रम भी करते हैं। अब प्रभावी श्रवण में बाधक तत्व क्या क्या होते हैं, पहला यह किसी व्यक्ति द्वारा एक ही समय में एक से अधिक संवाद सुनने का प्रयास किया रहा है, हम टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और आप मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, तो फिर तो एक ही समय में एक से अधिक संवाद सुनने का प्रयास किया जाता है तो प्रभावी श्रवण को बाधित करता है, जैसे टेलीविजन या रेडियो चलाकर किसी से बातचीत करना। दूसरा, जब व्यक्ति किसी संवादकर्ता को आकर्षक या कुरूप अनुभव करता है तो संवादकर्ता के विषय में अपनी भावनाओं एवं उसके भौतिक रूप से अत्यधिक ध्यान देता है, ना कि संवाद पर। क्लास में होते थे ना बच्चे की यार सुंदर सी टीचर आ रहे हैं, कोई बहुत बढ़िया मैडम आ रही, तो बच्चे बड़े ध्यान से, जरा सा कोई कुरूप टीचर आ रहे ठीक है, तो ये गलत है। जब किसी व्यक्ति संवाद के विषय या मुद्दे में रुचि नहीं होती, अरे जो पढ़ा रहे हैं तो आता ही है तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। जब व्यक्ति संवादकर्ता पर अपना ध्यान केंद्रित न करके किसी खिड़की से बाहर देखता है, अपने बालों या कलम से खेलता है, पढ़ाया क्लास में जा रहा है वो खिड़की से बाहर झांक रहे हैं कि कौन जा रहा जा रही है, कंघी नहीं कर रहे हैं, है ना, कलम से खेल रहे हैं। जब व्यक्ति थका हुआ भूखा या प्यासा हो तो संवाद पर ध्यान नहीं देगा, ये बात तो सत्य, अगर भूखा है प्यासा है तो। जब कोई व्यक्ति प्रजाति लिंग आयु धर्म उच्चारण या पूर्व अनुभव के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है तो प्रभावी श्रवण, ये पूर्वाग्रह बहुत है ना, जैसे कोई अरे ये तो इस धर्म के हैं इस जात के हैं इन्हें कुछ आता ही नहीं है, ये मतलब इस तरह की भावनाएं अगर हैं, ये नॉर्थ इंडिया ये साउथ इंडियन का ये वहाँ। जब कोई व्यक्ति किसी संवादकर्ता के विषय में पहले ही निर्णय कर लेता है कि प्रभावी श्रवण मतलब कोई भी टीचर आ रहा है हम जानते हैं अरे यार इनका बोर्ड, जैसे हम खुद कहते हैं इंटरव्यू जाते हैं अरे इनका बोर्ड ना मिले उनका बोर्ड मिल जाए, अरे क्लास में ये नहीं सर आए वो सर आए, तो ये सब क्या बाधा होती है आपकी, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे,
बाकी नेक्स्ट क्लास फिर हम इसमें करेंगे, दो क्लास में पूरा संप्रेषण, कम्युनिकेशन, संचार, अंतर्व्यक्तिक, इंट्रापर्सनल स्किल सब कुछ कराने का प्रयास करूंगा। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी निशुल्क अनुपम सर जीएस ग्रुप वाले में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूले और जुटे रहिए, बहुत जल्दी आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपके सामने वो स्वर्णिम दिन आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।